हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल स्किंग स्मार्ट साला। दोस्तों, यह इस सीरीज का वीडियो नंबर 10 है। वीडियो नंबर 10 में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ डेयर, यूज ऑफ डेयर, यूज ऑफ डेयर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, डेयर एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। डेयर का मीन्स होता है टू हिम्मत होना होना या फिर साहस, हिम्मत या फिर साहस होता है। दोस्तों, हिम्मत होना या साहस होना डेयर का हिंदी मीन्स होता है। दोस्तों, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले के मॉडल यदि आपने नहीं देखे हैं, इस चैनल पर नए हैं तो उन वीडियो को देख लें आप, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिस पे बेसिक इंग्लिश आपको शुरू से पढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत उपयोगी है आपके लिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट, फिर लिखना है मॉडल वर्ब, फिर आपको लिखना है मेन वर्ब, और फिर लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है, मॉडल वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यदि इस चीज को आपको समझना है तो वीडियो नंबर फर्स्ट में इसको बताया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, मॉडल क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है। आप वहाँ पर जाकर देख लें, आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आज अपने को क्या यूज़ करना है? डेयर, DAIRE, डेयर। डेयर यानी हिम्मत होना या फिर साहस होना। जैसे सेंटेंस बनेंगे इसके, तुम मैं पढ़ाने की हिम्मत है क्या? तुम में पढ़ाने की हिम्मत है? सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले शब्द को ट्रांसलेट करेंगे। तुम के लिए जाएगा यू, फिर पहले वाले के बाद अंत वाले को ट्रांसलेट करेंगे। हिम्मत है, हिम्मत है के लिए क्या जाएगा? डेयर, डेयर आ जाएगा। फिर की के लिए वो अंग्रेजी वर्ड नहीं होगी, उसके बाद आएगा पढ़ाना, पढ़ाने को इंग्लिश में बोलेंगे टीच। फिर अपना जो है सेंटेंस पूरा हो गया इंग्लिश में। आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन का सबसे अच्छी मेथड यही है, सबसे पहले सबसे वाले सेंटेंस को ट्रांस सबसे पहले जो है पहले शब्द को ट्रांसलेट करो, फिर उसके बाद में अंत वाले को ट्रांसलेट करो, और अंत वाले से इसे पीछे की ओर चलते आ जाओ। देखते हैं दूसरा सेंटेंस। तुम मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है, तुम में अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है। कैसे बोलेंगे, तुम में अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है? इंग्लिश में बनेगा इसका यू डेयर टू, सॉरी टू नहीं आएगा, यू डेयर स्पीक इंग्लिश। तुम में अंग्रेजी बोलने की हिम्मत है, यू डेयर स्पीक इंग्लिश। क्या किया दोस्तों, सबसे पहले पहले वाले शब्द को ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद अंत वाले को किया, फिर उसके बाद पीछे चले आ गए, बोलने के लिए आएगा स्पीक, फिर उसके पीछे और आ गए तो फिर क्या जाएगा, इंग्लिश।
इस तरह से जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब हुई, पहले सब्जेक्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से जो है ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों लेते हैं अगला सेंटेंस, क्या होगा? उस में यहाँ आने की हिम्मत है, उसमें यहाँ आने की हिम्मत है। उसके लिए क्या वर्ड होगा दोस्तों? उसके लिए होगा ही, या शी, दो में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ही का प्रयोग करेंगे। ही डेयर कम हियर, उसमें यहां आने की हिम्मत है। ही डेयर कम हियर, इस तरह से दोस्तों यह सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो दोस्तों आपको, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह बेसिक स्पोकन इंग्लिश है दोस्तों, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इसके इंग्लिश पाठशाला को एस के इंग्लिश पाठशाला, पाठशाला। दोस्तों डेयर जो है एक मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है, इसको एज ए मेन वर्ब भी उपयोग करते हैं और एज ए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पर अपन ने जो है किस तरह से उपयोग किया है, एज ए मॉडल वर्ब की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज करा है। यदि अपन डेयर को मेन वर्ब के रूप में लगाते हैं तो फिर डेयर के बाद अपने को टू का प्रयोग करना है, क्योंकि जब भी दो वर्ब आती हैं तो दो वर्ब के बीच में हमेशा इन्फिनिटिव टू का उपयोग किया जाता है। तो इसका दूसरा यूज भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा जब मैं आपको इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी जो है अपन ने डेयर का जो उपयोग है, डेयर का उपयोग एक हेल्पिंग वर्ब की तरह किया है, एक मॉडल वर्ब की तरह किया है, जिसका डेयर का हिंदी मतलब होता है हिम्मत होना या साहस होना। जैसे तुम में मेरे सामने बोलने की हिम्मत है, यू डेयर स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। तुम में अंधेरे में जाने का साहस है, यू डेयर गो इन टू डार्क। इस तरह से जो दोस्तों इसके सेंटेंस बोलेंगे, और वो प्रैक्टिस कीजिए, और अंग्रेजी बोलना आप आसानी से सीख सकते हैं यदि एक एक वीडियो रोज देखते हैं तो। यह इस सीरीज की वीडियो नंबर 3 थी दोस्तों। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।